चीमा वेलकम बैक विदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक ई के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में चीजें डिस्कस करूंगा वट इज द साइज ऑफ प्लॉट विच आर बींगीज सेंट्रल ब्लॉक ई नंबर टू कि व्हाट इज द डेवलपमेंट स्टेटस इन ब्लॉक ई एंड ओवरऑल जो ऑन ग्राउंड स्टेटस है डेवलपमेंट का इसके अलावा सोसाइटी ने जो अनाउंस किया है कि सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स हम ओवरसीज सेंट्रल का पोजेशन हैंडओवर करना शुरू कर देंगे तो इज़ इट अ पॉसिबिलिटी टू ऑफर अ पोजेशन इन ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक ई या बस एक हवाई दवाई है तो लेट सी इसमें ऑन ग्राउंड स्टेटस के लिहाज से कंपेरिजन करके देखते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है सबसे पहले अगर बात करें कि ओवरसीज सेंट्रल में किस साइज के प्लाट हैं किस डायमेंशन के प्लाट हैं तो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक ई में दो तरह के प्लाट हैं नंबर वन पाँच मरला एंड नंबर टू सात मरला इनकी डायमेंशन की अगर बात की जाए तो पांच मल्ला का प्लॉट बनता है पच्चीस बाय पैंतालीस का और स्क्वेयर यार्ड जो बनता है वन ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट और अगर हम सात मरला की बात करें तो प्लॉट का साइज बनता है तीस बाय तिरपन यानी थर्टी बाय फिफ्टी थ्री और अगर मरलों में बात की जाए तो सात मरला और स्क्यर यार्ड में बात की जाए तो वन सेवेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट बनता है ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक ई में ओवरऑल अगर डेवलपमेंट के स्टेटस की बात की जाए तो अभी तक सेंट्रल ब्लॉक ई में कोई बहुत ज्यादा मैसिव डेवलपमेंट नहीं हुई अब मैं आपको सबसे पहले ट्राई करता हूँ गूगल अर्थ लोकेशन एक्सप्लेन करूँ उसके बाद मैं आपको डिटेल से तमाम चीजें आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि ओवरऑल स्टेटस क्या है डेवलपमेंट का ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक ई में इससे पहले मैंने सेंट्रल की चार वीडियोज बनाई हैं ब्लॉक सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी और सेक्टर डी की जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में इस पूरी सीरीज में बेसिकली इंट्रोडक्टरी सीरीज है मैप लॉन्च होने के बाद मैंने अब तक कोई सीरीज नहीं कंप्लीट बनाई थी ओवरसीज सेंट्रल पर तो हम इसको एक ट्रेडमार्क रखेंगे स्टार्टर पॉइंट रखेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट का स्टेटस इनिशियली क्या था और आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्लॉक वाइज या सेक्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे आइडिया होता रहेगा कि इसमें कितनी चेंजेस आए हैं रीसेंट डेज के कंपैरिजन में क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड पर चीज़ ऑलरेडी मौजूद होगी तो सबसे पहले देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई में किस तरह की डायमेंशन के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ साइड पर कौन सी लोकेशन आती हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ओवरसीज से सेंट्रल का जो ओवरऑल मैप है वो देख सकते हैं और इस मैप में आज की जो वीडियो बेसिकली वो इस पॉइंट के हवाले से है जिसका नाम है ब्लॉक सेक्टर ई और इसमें जो मैंने निचली वीडियो के स्टार्ट में बात की डायमेंशन की तो इसमें दो तरह के प्लाट हैं सात मरला और पांच मरला के प्लॉट इसमें थर्ड कैटेगरी भी है वो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो पांच मरला के प्लाट हैं वो आपकी स्ट्रीट जिनमें जहाँ से शुरू होते हैं स्ट्रीट सेवन स्ट्रीट एट स्ट्रीट सेवन से लेकर अपटिल स्ट्रीट फोर्टीन आपके पाँच मल्ला के प्लाट हैं और निचल जो आपकी छः स्ट्रीट बनती हैं उसमें आपके सात मरला के प्लॉट्स हैं इस में कुछ प्लॉट ऐसे भी रिजर्व हैं विलास के लिए और बाकी जो प्लॉट्स हैं पाँच मरल के या सात मरला के वो बैलेटिंग में आम मेंबर्स को एलोकेट हो गए हैं अगर हम इनकी डायमेंशन की पहले बात कर चुका हूँ मैं पहले तो ओवरऑल डेवलपमेंट के स्टेटस के स्टार्ट से बात करें तो ये जो आप गूगल पर लोकेशन देख रहे हैं मैं रिकॉर्ड के लिए कह दूँ ये नवंबर 2021 की अपडेटेड इमेजेस होंगी इसमें कोई आ, इमेज अब तक रिसेंटली अपडेट नहीं हुई अब साइट पे बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में चेंज आया है लेकिन चूंकि अभी गूगल अर्थ पे इमेजेस अपडेट नहीं हुई तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गूगल गूगल अर्थ पे इमेजेस अपडेट होंगी तो इनशाला मैं उसके हवाले से सेपरेट वीडियो बना दूँगा तो इनिशली स्टार्ट करते हैं जिसकी चार साइड से अगर हम ब्लॉक ई के बात करें चार साइड्स की तो इसकी नॉर्थ साइड पर चीज़ बनती है वो बनता है आपका सेक्टर एफ़ बनता है और इसके अलावा सेक्टर एफ़ के साथ यहाँ पे 180 एटी फीट की एक्सेस रोड भी है नंबर टू इसकी ईस्ट इस साइड की बात करें तो ईस्ट साइड से सेक्टर जी बनता है और 400 सौ फिट रोड का बीच में डिवाइडर रोड है जो कि सबसे ज़्यादा यू एस पी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओवरऑल सेलिंग में जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये चार सौ फुट का रोड है अगर हम बात करें इसकी वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड पर इसके सेक्टर डी आता है और सेक्टर डी में सेम इसी कैटेगरी की प्लॉट है पाँच मल्ला और सात मल्ला के अगर हम बात करें साउथ साइड पे तो साउथ साइड पे सेक्टर सी है इनिशली मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वो तकरीबन इस पॉइंट से थी और जो आपको ग्रीनरी का पैच नज़र आ था वो ये वाले पार्ट से ये वाले प्लाट का जो वन कनाल के प्लाट सोसाइटी ने इट सेल्फ रिजर्व किए हुए इन कैटेगरी के प्लाट्स के हवाले से आपको ग्रीनरी नज़र आ रही थी अब आगे हम बात करें कि इसमें ओवरऑल मैं थोड़ा सा गूगल अर्थ पर स्पेसिफिकली मैप को रिप्लेस करता हूँ ये सब गूगल अर्थ लोकेशन है इस सेक्टर ई की तो अगर हम स्ट्रीट वाइज भी देखें तो स्ट्रीट वाइज जो पहली स्ट्रीट बनती हैं फॉर सात मरल की जितनी स्ट्रीट्स हैं तमाम की तमाम स्ट्रीट्स पे तकरीबन कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे इस पॉइंट तक यहाँ पे प्रॉपर 400 फुट रोड का एक्सेस मौजूद है यहाँ पे गूगल अर्थ पे फॉर द रिकॉर्ड ये इमेजेस अपडेट नहीं है अगर आप साइट पे इट्स विजिट करते हैं तो यहाँ पे इस पार्ट पे आपको प्रॉपर कम्पेक्शन होती हुई नजर आएगी यानी कि सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे रोड पर मुकम्मल इसको मेरा ख्याल है कि अगले दो से तीन माह के दौरान यहाँ पे कारपेटिंग कर दी जाएगी तो ये काफ़ी एक मैसि ह्यूज अप होगा उन मेम्बर्स के लिए जिनके प्लाट्स यहाँ पे सेक्टर ई में या सेक्टर सी में मौजूद हैं या बी में मौजूद हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज्यादा बड़ा एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्योंकि जाहिर सी बात है जब रोड यहां पर कारपेट होगा तो डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल हो जाएगी जैसे इससे पहले जब स्मार्ट सिटी स्टार्ट हुआ था तो ओवरसीज ईस तक एक्सेस थी तो जो मर्जी आप कर लें आपको एग्जैक्टिव ब्लॉक इन्वेंट्री सेल करने में रीसेल में बहुत मुश्किल पेश आती थी रीजन इज के किसी को दिखाया नहीं जा सकता था तो जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है तो अभी यहाँ पे सेंट्रल तक प्रॉपरली एक्सेस जब पॉसिबल होगी तो इस एरिया में काफ़ी ज्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे उन नवंबर के जिनके प्लाट्स हैं अगर हम बात करें बाकी ओवरऑल सीरीज की तो इसमें सिर्फ पांच आ, स्ट्रीट पांच मतलब स्ट्रीट्स हैं स्ट्रीट एट स्ट्रीट नाइन स्ट्रीट टेन और स्ट्रीट इलेवन पार्शली ये स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनकी यहाँ पर नीचे ग्रीनरी नजर आ रही है बट एक्चुअली अगर ग्राउंड पर देखें तो यहाँ पर ब्राउनिंग हो चुकी है अब जैसे मैंने इनिशली वीडियो के स्टार्ट में बात की ये इमेजेस जो हैं ये नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की है तो इसमें अगर आप मैं इसको रिवर्स करके देख लेता हूँ इस एरिया को तो आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिल जाएगा प्रीवियसली एरिया कैसा था तो देख लेंगे जुलाई में तकरीबन यही एरिया था मे में, में तकरीबन वैसा ही है मे ट्वेंटी में अगर हम जाते हैं इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं यानी कि अगर हम देखते हैं जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में ये जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी की इमेज है और इसमें आप देख लें कि यहाँ पे सारा एरिया जो है रॉ लैंड थी यहाँ पे खड्डे खायाँ और इस तरह की चीजें थी कोई ऐसा कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं थी और इसको जितना आप पीछे करता रहेंगे टाइम को तो आपको यही चीज़ें नजर आएंगी यहाँ पे एज सच कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के पास तब ये लैंड जो है प्रिक्योर ही नहीं थी अभी रिसेंटली प्रिक्योर हुई है इन द ट्वेंटी जैसे आपको नजर भी आ रहा है गूगल अर्थ पे अब मैं दोबारा इसको आगे मूव करता हूँ अभी आप अप्रैल 2020 की इमेज देख रहे हैं ये गूगल अर्थ पे अगर इसको आगे मूव करें मे 2020 में तो एज इट इज़ है कोई चीज़ चेंज नहीं है अगर हम देखें जुलाई 2020 में तो सेम वही इमेज़ हैं कोई चीज़ चेंज नहीं हुई अब जैसे ही आप मे 2021 में आते हैं तो आपको सारा एरिया ब्राउन हुआ नजर आता है एक्सेप्शन कुछ ये है कि ये कुछ सेक्टर डी का पार्ट है जो अभी तक ग्रीन नजर आ रहा है आपको लेकिन एक्चुअल साइट पे इनमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा जो ब्राउन हो गया है मैं कि उनको एक्चुअल साइट पे विजिट करता हूँ और साइट के बाद फिर मैप पे कंपैरिजन करता हूँ तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये वाली जो एरिया है कितना एरिया डेवलप्ड और कितना एरिया नॉन डेवलप्ड है तो सेक्टर डी की पार्शल लैंड यहाँ पर गूगल अर्थ पर लग रहा है कि ग्रीन है लेकिन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर बहुत मिनिमल लैंड है हार्डली कोई सौ दो सौ किनाल होगा एरिया जो अभी तक प्रिक्योर्ड ना होगा बाकी सारा एरिया जो है वो ऑलरेडी प्रिक्योर्ड है यहाँ पर अगर हम बात करें आगे चलें थोड़ा सा जुलाई 2021 में तो सेम वही इमेजेस हैं और उसके बाद ये जुलाई सॉरी ये जुलाई 2021 की अपडेटेड इमेजेस हैं इससे आगे अपडेटेड इमेजेस अभी तक गूगल अर्थ पे नहीं आई वी आर सेटिंग इन मे 2022 ट्वेंटी तो टू तकरीबन दस महीना गैप है गूगल अर्थ लोकेशन पे जब ये अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से मजीद डिटेल वीडियो बना दूंगा अब दोबारा करते हैं मैप की बात के ओवरऑल मैप पर कौन सी चीज़ें जो बाकी चीज़ों से बाकी लिहाज से सेक्टर ई को प्रोमिनेट करती हैं अब बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरचेंज और 400 फुट का रोड तो अगर मैं सेक्टर ई e से एग्जैक्ट अगर लोकेशन का आइडिया लगाऊं कितना डिस्टेंस बनता है आपका सेक्टर ई e से एम टू इंटरचेंज तक का तो वो डिस्टेंस आप यहाँ पे ईजिली कवर कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनता है मैं आपको किलोमीटर्स में बताता हूँ कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे अच्छा जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेक्टर ई e का जो है ये वाला पॉइंट बनता है अब चूंकि दो एक्सेस के रस्ते बनते हैं इस पॉइंट से इधर भी जा सकते हैं और दूसरा पॉइंट एक तो एक्सेस रूट ये बन गया मैं ज़रा मैप से मैप लाइट कर दूँ साथ एक तो एक्सेस पॉइंट आपका ये बन जाता है ये आपको जो एक स्क्वेयर सा नज़र आ रहा है इसमें टू किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है आपका सेक्टर ई e से ओवरऑल अगर देखा जाए यानी ओवरऑल डिस्टेंस सेक्टर ई e का जो राउंड अबाउट है यहाँ से अगर देखें आप इंटरचेंज का डिस्टेंस तो 2.89 किलोमीटर बनता है अगर हम देखें डायरेक्ट यानी 400 सौ फुट रोड के एक्सेस को देखें तो आपका डिस्टेंस बनता है सॉरी यहाँ से आपका डिस्टेंस जो बनता है 400 सौ फुट रोड का इस राउंड अबाउट से आप इधर आ जाए और इधर से आके तकरीबन टू पॉइंट नाइन वन तो इन एनी केस आपको थ्री किलोमीटर से लेस लेस डिस्टेंस पे आप इजीली इंटरचेंज पर एम टू मोटरवे पर कनेक्टिविटी ले सकते हैं इस ब्लॉक की सबसे प्राइम लोकेशन के लिहाज से यही बात है कि इस ब्लॉक की लोकेशन ऐसी है आर थ्री थिंग इन रियल स्टेट विच आर रियली इंपॉर्टेंट नंबर वन इज़ लोकेशन नंबर टू इज़ लोकेशन एंड नंबर थ्री इज लोकेशन तो सेक्टर ई e की जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली इसको प्राइम लोकेशन कन्वर्ट करती है क्योंकि इसकी एक्सेस डायरेक्ट चार सौ फुट रोड से भी है और इसकी एक्सेस डायरेक्टली एम टू मोटरवे से भी है तो अगर तीन किलोमीटर का डिस्टेंस मैं काउंट करूँ तो हार्डली वन मिनट टू आप जिस पे आप मोटरवे पे जा सकते हैं तो जब यहाँ पे इंटरचेंज ऑपरेशन होगा तो सेक्टर ई सेक्टर एफ सेक्टर डी ओवरऑल जितने सेक्टर्स हैं इनको बड़ी इजी एक्सेस मिल जाएगी टुवर्ड्स एम टू मोटरवे तो ये जिन मेंबर्स के प्लॉट हैं आई वो सजेस्ट हैं कि आप अपने प्लॉट अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करें और जैसे जैसे आप टाइम गुजरेगा इसके साथ साथ तो आपकी इन्वेंट्री जो है डेफिनेटली इस पर बड़े मैसिव जम्पस आएंगे ईद के बाद बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं तो जब वो इवेंट साइट पर होंगे तो आप हर आने वाले इवेंट के साथ आप देखेंगे कि ओवरसीज सेंट्रल में

अगर मैं मैप के साथ टैली करूँ इस ब्रिज से लेके और इस पार्ट तक तकरीबन यहाँ तक कारपेटिंग मुकम्मल हो चुकी है यानी कि रोड पहले थोड़ा सा कर्व हो रहा है बीच में जो कच्चा रास्ता था ये आपको थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा होगा यहाँ पे अब ये रोड डायरेक्टली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्रॉपर कनेक्टिविटी इसको मिल गई है यहाँ पे इस पार्ट तक तकरीबन कारपेटिंग अगर आप रिसेंटली मैंने साइट पे कुछ वीडियोस पोस्ट भी की थी जो गाड़ी से मैंने रिकॉर्ड की थी तो ये प्रॉपरली यहाँ तक आपको एक्सेस मिलता है यहाँ तक जाना भी ईजी है बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल तरीका है अगर आप एग्जैक्टिव ब्लॉक तक जाते हैं बी ब्लॉक तक तो आप इजिली यहाँ एक्सेस लेते हैं अदरवाइज अगर आप ओवरसीज प्राइम में भी जाते हैं तो यहाँ से खड़े होकर भी आपको ये रोड प्रॉपरली नजर आता है तो ये ओवरऑल आज की डेट की डेवलपमेंट है अगर आप साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको तमाम चीज़ों का बेहतर आइडिया हो जाएगा अगेन बैक रियल टाइम फुटेज और इस वक्त स्क्रीन पे सेक्टर ई e और सेक्टर डी की पार्शली फुटेज देख सकते हैं जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है कि इस वक्त साइट पे एक्चुअल डेवलपमेंट जो कहाँ स्टैंड करती है साइट पे डेवलपमेंट की एक प्रोमिनंट बात जो है वो ये है कि साइड पे जो जिस साइड पे आठवन लाख कमर्शियल है वन फीट रोड पर उस साइड पे जो है डेवलपमेंट काफी ज्यादा तेजी से हो रही है क्योंकि वहाँ पे लैंड जो है ऑलरेडी लेवल्ड है प्लेन लैंड है तो वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज्यादा तेज़ी से मुकम्मल की जा रही है जहां तक बात की जाए चार सौ फुट रोड वाली साइड की जिस साइड पे सेक्टर ई e, सेक्टर सी और उसके बाद सेक्टर एफ भी आता है तो इस साइड पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस साइड पर डेवलपमेंट की पेस स्लो है उसकी रीज़न जो है बड़ी जनवन सी है उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर साइड पर एक्चुअली काफ़ी ज्यादा कटिंग का काम है जो कटिंग uh, का काम होता है हमेशा टाइम डिमांडिंग होता है तो इसलिए साइड पर इस साइड पर डेवलपमेंट जो है मेरा ख्याल है कि बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी इन सेक्टर्स में पोजेशन पॉसिबल नहीं होगा जबकि एक सौ अस्सी फुट रोड वाली साइड पे जो सेक्टर्स आते हैं जिसमें सेक्टर ए है सेक्टर सी है सेक्टर बी है सेक्टर सी सॉरी से तो इस साइड आता है कुछ पार्शल पार्ट्स का दूसरी तरफ भी लगता है तो इस साइड पर पोजेशन ऑफर हो जाएगा लेकिन लेट सी क्या होता है क्योंकि सोसाइटी की तरफ से ऑफिशली कहा गया है कि हम सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इसका पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे ओवरसीज सेंट्रल का अब इसमें ओवरसीज सेंट्रल में किन सेक्टर्स का पोजेशन हैंड ओवर करते हैं दैट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब सेप्टर में बात आएगी पोजेशन की तो उस वक्त सोसाइटी का नैरेटिव कहाँ स्टैंड करता है तो आने दिनों में आपको बखूबी इससे अंदाजा हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं रह गया तक तीन चार माह का टाइम है तो आपको इससे बेहतर अंदाजा हो जाएगा सो विकॉज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट नहीं बुकिंग के हवाले से या रीसेल के हवाले से कुछ भी मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रबा करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़